मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी किस तरह जयचंद ने संयोगिता को मंदिर जाने के निर्णय की बधाई दी, क्योंकि उसके मन में तो महाराज अनंगपाल तोमर के वध का षड्यंत्र पल रहा था। उधर डाकू दुर्जन सिंह अपने सहयोगियों से मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दे रहा था, मगर उसका एक सहयोगी डाकू भंवर सिंह कुछ और ही सोच रहा था। भंवर सिंह महाराज सोमेश्वर से मिला और उन्हें महाराज अनंगपाल तोमर के वध की योजना से अवगत करा दिया। उधर मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ने तबरे हिंद पर चढ़ाई करने का फैसला किया। इधर राजमहल में संयोगिता और चकोरी रात भर इस आशा में जाग रही थी कि कब वो मंदिर पहुंचे और कब महाराज पृथ्वीराज के दर्शन हो। उधर महाराज अनंगपाल तोमर के कक्ष में मीर हसन ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के तबरे हिंद पर चढ़ाई की सूचना दी और मैं सोचने लगी कि इन परिस्थितियों का सामना महाराज पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार करेंगे। पिताजी, 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 क्या बात है पुत्र? बड़ा अनर्थ हो गया पिताजी। अनर्थ? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताजी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया है। अभी अभी गुप्तचर समाचार लेकर आया है कि महाराज अनंगपाल तोमर का स्वास्थ्य ना ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। क्या? ये तो सचमुच बड़ा निराशाजनक समाचार है पुत्र। पिताजी, इस निराशाजनक समाचार के साथ एक अनर्थकारी समाचार भी है। वो क्या है पुत्र? वो समाचार ये है पिताजी कि अब शिव पार्वती मंदिर में छत्र चढ़ाने अनंगपाल तोमर नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान आ रहा है। क्या? क्या ये सूचना पक्की है पुत्र? हाँ पिताजी, ये सूचना बिल्कुल पक्की है। तब तो सचमुच बड़ा अनर्थ होने वाला है पुत्र। जितनी जल्दी हो सके ये समाचार बालुका राय को देना ही होगा। पुत्र, अगर अनंगपाल तोमर के धोखे में उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हो गया तो उसके प्राणों पर संकट आ जाएगा पुत्र। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी भी स्थिति में बालुका राय पृथ्वीराज का सामना नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो पुत्र, जिस तरह अनंगपाल तोमर तुम्हारे पिता का हाथ काट कर लेकर चला गया, उसी तरह पृथ्वीराज चौहान हमारे पुत्र बालुका राय का सर न काट ले जाए। नहीं पिताजी। नहीं पुत्र, मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान को और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस संसार में उससे बड़ा योद्धा और दूसरा कोई नहीं है। पिताजी, संयोगता और चकोरी आज दोनों प्रातःकाल प्लास क्षेत्र की ओर गई है। मैं सीधा बालुकारा के पास जाता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे राजमहल में मिल जाए। शीघ्र जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ और इस अनर्थ को रोक लो। अच्छा पिताजी। अनिसा, हम तैयार हैं। महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके प्रस्थान के समय आपसे क्या कहूं। इसमें कहने की क्या बात है रानीसा? माता के सामने हमारी तलवार रखी हुई है, आप तो केवल परंपरा का निर्वाह कीजिए।
तलवार उठाइए और हमें अपने हाथों से दे दीजिए। परंपरा? हाँ रानी सा, परंपरा ही तो निभानी है आपको। महाराज, यदि आपने परंपरा निभाई होती तो मैं अपने हाथों से आपका तिलक करती, अपने हाथों से आपको तलवार देती, आपकी विजय की शुभकामना करती। रानी सा, तो अब क्या बदल गया है? यही तो होता आया है और यही करना है आपको। अब कैसी शुभकामना महाराज, क्या कहूँ भवानी माँ से? मैं ये कहूँ कि मेरा पति उन डाकुओं का साथ देने जा रहा है जो महाराज अनंगपाल तोमर की हत्या करने जा रहे हैं। रानी सा! हाँ महाराज, हाँ, आप महाराज अनंगपाल तोमर के साथ छल कर रहे हैं, आप अपने सहयोगी मित्र डाकुओं के साथ छल कर रहे हैं, आप नीति के साथ छल कर रहे हैं, आप मर्यादा के साथ छल कर रहे हैं, आप परंपरा के साथ छल कर रहे हैं, और तो और महाराज, आप मानवता के साथ छल कर रहे हैं। क्या ये भवानी माता को पता नहीं जिसके सामने तलवार रखी है? क्या उसे पता नहीं कि आप करने क्या जा रहे हैं? तो क्या तुम हमें तलवार नहीं दोगी? महाराज, एक क्षत्राणी के हाथों तिलक लगवा कर अगर आपको तलवार लेनी है तो एक अच्छे क्षत्रिय जैसा व्यवहार कीजिए। अगर आप अपनी पत्नी को उसकी ही नजरों में लज्जित करना नहीं चाहते तो एक अच्छे पति जैसा व्यवहार कीजिए। हर पत्नी को अभिमान होता है अपने पति पर, और आप चाहते हैं महाराज मैं आपके इस कर्म पर अभिमान करूं? महाराज, मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की कि प्रतिशोध की चिंगारी केवल शत्रु को नहीं जलाती बल्कि स्वयं को जलाकर राख कर देती है। आप जिन डाकुओं का वध करने जा रहे हैं, ना तो इसमें कोई वीरता है ना कोई गौरव, उन्हें समाप्त करने के लिए तो आपकी सेना ही काफी है। और महाराज, मैं ये भी जानती हूँ कि जो तलवार एक बार आपकी म्यान में गई तो फिर कभी बाहर नहीं आएगी, तो इसमें शुभकामना देने की क्या आवश्यकता है? महाराज, तो आप मुझसे ये अपमानजनक कार्य करवाना क्यों चाहते हैं? रानी साहब, समय नहीं है हमारे पास, वरना आपके इस व्यवहार के लिए हम आपको उचित दंड देते। नहीं चाहिए आपका परंपरा के नाम वाला ये तिलक। महाराज, तलवार क्षत्रिय की शोभा होती है, एक क्षत्रिय के हाथ से तलवार का गिर जाना तलवार का अपमान है। रानी सा। महाराज, भवानी माँ आपको सद्बुद्धि दे। अंबे माँ, तुमने एक नारी होकर भी हम नारियों को कितना विवश बना दिया है। माँ, तुमने मुझे क्षत्राणी तो बनाया मगर मुझे वीर पत्नी नहीं बनाया। अंबे माँ, मर्यादा के नाम पर मैं ये सब कब तक सहती रहूंगी? मैं ये सब कब तक सहती रहूंगी माँ? कब तक सहती रहूंगी माँ? बालुका, जेठसा। और रानी? प्रणाम। सौभाग्यवती भव। बहुरानी, बालुका कहाँ है? वो तो प्रातःकाल ही चले गए। चले गए? ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ? ये आप क्या कह रहे हैं जेठसा? किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं बहुरानी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो जिस अभियान पर गया है वो अभियान स्थगित कर दिया गया है।
मैं तो केवल यह सूचना देने आया था कि कोई तीव्र गति से जाए और उसे रास्ते में ही रोके। हाँ हाँ जेठ साहब, एक व्यक्ति है हमारे पास। कोई है? प्रणाम महारानी साहिबा। भाई माधव सिंह से कहो, मैंने उन्हें याद किया है। जी, जो आ गया। बहुरानी, मैं स्वयं चला जाता हूँ माधव सिंह के पास। जेठ साहब, आपकी चिंता किसी बड़े संकट का संकेत दे रही है। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं बहुरानी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप बताइए मुझे। मैं क्षत्राणी हूँ। कहीं आपकी इस चिंता का संबंध महाराज अनंगपाल तोमर के वध से तो नहीं? हाँ बहुरानी, इसीलिए मैं बालुका को रोकने जा रहा हूं, क्योंकि अब मंदिर में छत्र चढ़ाने अनंगपाल तोमर नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान आ रहा है। जेठ साहब, आपको भय ये है कि अगर अनंगपाल तोमर के स्थान पर मेरे पति का सामना महाराज पृथ्वीराज चौहान से हो गया तो क्या होगा? वो तो न जाने कब से ये आस लगाए बैठे थे कि महाराज अनंगपाल तोमर से अपने पिता के अपमान का बदला कैसे लें, और इसके लिए उन्होंने डाकू दुर्जन सिंह को नियुक्त भी कर दिया था कि वो रास्ते में ही महाराज अनंगपाल तोमर का वध कर दे। और आप ये कह रहे हैं कि महाराज अनंगपाल तोमर के स्थान पर महाराज पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं? जेठ साहब, आप लोगों के आपस के बैर ने न जाने हम जैसी कितनी ही क्षत्राणियों को जौहर करने पे विवश कर दिया है। बहुरानी। हाँ जेठ साहब, जब जब आपने महाराज अनंगपाल तोमर के वध का षड्यंत्र रचा है, कोई ना कोई अनर्थ हुआ है, और अब जो अनर्थ होने जा रहा है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जेठ साहब, मैं तो अब समय गिन रही हूँ, क्योंकि जितनी दूरी मेरे पति और महाराज पृथ्वीराज चौहान के बीच है, बस उतनी ही दूरी मेरे वैधव्य और मेरे बीच है। नहीं, नहीं बहुरानी। हाँ जेठ साहब, हाँ, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं दोष महाराज पृथ्वीराज चौहान को नहीं दूंगी, मैं दोष दूंगी आपको और आपके पिता को, क्योंकि जिस छल का आरंभ आपने किया था उसके परिणाम स्वरूप मेरी मांग का सिंदूर भी उजड़ सकता है। और अगर ऐसा हो गया जेठ साहब, तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। हाँ, कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्या बात है महाराज? कुछ नहीं महाराज, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ चंद्रताई, बिल्कुल ठीक है। हम तो फिर आप इस तरह चौक कर उठ क्यों बैठे? एक सपना देखा था हमने। सपना? हाँ सपना। जैसे किसी कायर ने हमारी पीठ पर खंजर से वार किया। मगर महाराज,
सपने तो भटकते हुए विचारों का परिणाम होते हैं। नहीं चंदुमरदाई, ये सपना हमारे भटकते हुए विचारों का परिणाम नहीं था। तो फिर क्या है महाराज? चंदुमरदाई, मुझे तो लगता है कि हम मंदिर में छत्र चढ़ाने जा रहे हैं और वो क्षेत्र हमारे शत्रु का क्षेत्र है, और शत्रु भी ऐसा वैसा नहीं, विजयचंद का पुत्र और जयचंद का भाई बालू का राय। जब विजयचंद ने नाना साहब को संधि के बहाने कन्नौज बुलाया था और छल से उनकी हत्या करना चाहता था, तब नाना साहब ने उसी के सैनिकों के सामने उसका हाथ काट दिया था। उसका बदला जयचंद तो लेना चाहता ही था, लेकिन बालू का राय तो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करना चाहता था, आक्रमण। लेकिन इस बात को न विजयचंद ने स्वीकारा और न जयचंद ने। तब वो दोनों से रुष्ट हो गया था कि उसे आक्रमण की आज्ञा क्यों नहीं मिल रही है। महाराज, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि छल और कपट तो उस परिवार के लहू में रच बस गया। मित्र, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सपना भगवान शिव और माता पार्वती की ओर से संकेत है हमारे लिए कि हमें ऐसे शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। महाराज, आपने बिल्कुल सच कहा है, बैरी के बैर का भरोसा नहीं है। ठीक है, अब आप लोग जाएं, विश्राम करें, रात्रि बहुत हो चुकी है। जी महाराज। आप सब लोग तैयार हैं? जी महाराज। महामंत्री जी, बस यहां से थोड़ी दूर प्लास क्षेत्र की सीमा आरंभ होती है। पालुका राय ने तो यही योजना बनाई है कि जैसे ही महाराज अनंगपाल तोमर इस सीमा में प्रवेश करें तो दुर्जन सिंह उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दे। मगर वो नहीं जानता उसकी ये योजना विफल होने जा रही है। ये तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है कि हमें उसकी योजना का पता चल गया। महामंत्री जी। जी महाराज। मैं अपने साथ कुछ घुड़सवारों को लेकर आगे जाता हूं, डाकू इसी क्षेत्र में कहीं छिपे हैं। जैसे ही मैं उनकी दृष्टि में आऊंगा वो लोग घात लगाकर मुझ पर आक्रमण करेंगे। तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे रहो, बस इस बात का ध्यान रहे कि डाकुओं की दृष्टि में तुम लोग ना आओ। इस प्रकार उन सबको एक एक करके चुन चुन कर हम लोग मारेंगे। जी महाराज। और एक बात का ध्यान रखना कि उनमें हमारा मित्र, हमारा हितेशी शुभचिंतक भावर सिंह भी है। उस पर आंच ना आने पाए। उसने न केवल अजमेर पर बल्कि इंद्रप्रस्थ पर भी उपकार किया है। जी महाराज। अब हम प्रस्थान करते हैं, हमारे पीछे पीछे आना। सैनिको, आओ मेरे साथ। Thank you.
की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैंने अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को आते हुए देखा है। इसका अर्थ है कि शत्रु आ रहा है। सुनो सैनिक। जी महाराज। तुम जाकर डाकू दुर्जन सिंह को भी उन लोगों के आने की सूचना दे दो। जाओ। जी महाराज। जैसे ही अनंतपाल तोमर इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वैसे ही डाकू दुर्जन सिंह और उसके सहयोगी उस पर आक्रमण कर देंगे। और यह आक्रमण इतना अचानक होगा कि शत्रु को संभलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अब हमें यह करना है कि जैसे ही डाकू दुर्जन सिंह अनंतपाल तोमर की हत्या कर दे, हम दुर्जन और उसके साथियों पर आक्रमण करके उन्हें वहीं समाप्त कर देंगे। संसार और इतिहास यही समझेगा कि महाराज अनंतपाल तोमर प्लास क्षेत्र के मंदिर में छत्र चढ़ाने जा रहे थे, तब रास्ते में डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उस मुठभेड़ में वो डाकू के हाथों मारे गए। और हमने डाकू के इस अपराध के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया। सैनिक, तुम लोग जाकर सेनापति से कह दो कि किसी पल भी आक्रमण हो सकता है, आक्रमण के लिए तैयार रहें। जाओ। जो आज्ञा। दुर्जन सिंह, बोलो। शत्रु का दल आ रहा है, सावधान हो जाओ। साथियों, सभी अपना अपना स्थान ले लो और जैसे ही अनंतपाल तोमर अपने सैनिकों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करे, सभी पूरी शक्ति से उस पर वार करना। याद रहे, किसी भी स्थिति में अनंतपाल तोमर हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी शर्त पर बालुका राय ने हमें जीवन दान दिया है और अब अनंतपाल तोमर की मृत्यु ही हमारा जीवन है। जाओ, चुप जाओ। जब तक भंवर सिंह जिंदा है, जो भी हाथ आप पर उठेगा, शरीर से कटकर इस धरती पर गिरेगा। भंवर सिंह, हमारे दुश्मन से क्या बात कर रहा है? आक्रमण! Ah!
अपने सरदार से गद्दारी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्षमा करे महाराज, अब मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये तो अनंतपाल तोमर नहीं बल्कि अजमेर नरेश सोमेश्वर। महाराज की जय हो। लगता है हमारे साथ छल हुआ। कहो सैनिक, क्या बात है? वह अनंतपाल तोमर नहीं बल्कि उनकी जगह अजमेर नरेश सोमेश्वर आए हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी योजना की सूचना किसी ने शत्रु तक पहुंचा दी? हाँ। अब क्या होगा महाराज? होना क्या है, दुर्जन सिंह महाराज सोमेश्वर का सामना नहीं कर पाएगा। अब तो हमें उसकी सहायता के लिए जाना ही पड़ेगा। सेनापति, ये तो अच्छा हुआ कि शत्रु का नाना नहीं उसका पिता आया है। हाँ, चलो। Ah!
मालूम कर रहा है कायर, पीछे से वार किया तूने और तू कर भी क्या सकता है कायर, पिता की कायर संतान। अरे जिसने महाराज अनंगपाल तोमर को जल से मारने का षड्यंत्र रचा, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया।